नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वें की। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स और हमारे 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम जीके के प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जहाँ कहीं भी जीके पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई। मतलब आपको साल बताना है कि काकोरी ट्रेन की जो डकैती हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये था ऑप्शन सी, 1925 को हुई थी। और दोस्तों, ये किनके द्वारा की गई थी, तो आप लोगों किस संगठन के द्वारा की गई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये की गई थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, असंगत युग्म का पता लगाएं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर हवा बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा। सल्फर व फास्फोरस से आपकी माचिस की तीली बनती है, ये भी सही है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से क्या बनता है, पानी बनता है, बिल्कुल सही जवाब है। और मैग्नीशियम व रजत से स्टेनलेस स्टील बनती है, ये गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील किससे बनती है आपकी, Fe और निकल से, ठीक है, और क्रोमियम भी मिलाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मिलाते हैं आप लोग, तीनों चीज़ें मिलाते हैं। कुछ जगह पे आपको ये मिलेगा सिर्फ और कुछ जगह पे तीनों मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा जैसा ऑप्शन में हो आप उसी इसके अकॉर्डिंग लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कितना होता है, ये होता है आपका ऑप्शन सी, 5 लीटर खून होता है, ठीक है। तो ये जानिए। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच इसका कितना होता है, खून का पीएच, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7.35 होता है, ठीक है। कुछ जगह आपको 7.4 भी देगा तो आप उसे भी टिक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर ये 7.35 नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर ये है तो ऑप्शन में से लगाइए, नहीं तो 7.4 लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैकेफी है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं कम से कम, तो और बहुत ही ईजी होते हैं, तो इनको ज़रूर छोड़ के मत जाइए, इन्हें करके जाइएगा, ठीक है। तो मैकेफी है, आप सभी को पता होगा जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं कि ये क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जिनमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगवा दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला SMS किससे भेजा गया था, किस पर, ये था वोडाफोन पे। और दोस्तों, इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये वोडाफोन कंपनी कहाँ की है, ये भी कई बार पूछता है, तो ये कहाँ की है, इंग्लैंड की है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, बहुत से लोग ऑप्शन में इंडिया लगाता है, सोचते हैं इंडिया में तो है ही, तो इंडिया का भी लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ये किसने बनवाया था, ये बनाया था आपके अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ये स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, जबकि इस स्तूप का जीर्णोद्धार जो होता है वो किसने कराया था, ये सुंग वंश के शासकों ने कराया था, सुंग वंश के शासकों ने कराया था, ठीक है, इसका जीर्णोद्धार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, ये होते हैं आपके ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। हीलियम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HE से, और हाइड्रोजन को आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये GK का, इसमें GK और GS दोनों मिक्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसीलिए ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दोनों लगभग मिक्स ही लिए हैं, ज़्यादातर GK के लिए, लेकिन फिर भी GS भी है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है,
तो पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन बी GSAT-7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी के भी आते हैं, लेकिन हर बार आते हैं ये कंफर्म रहता है। एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर बनता है इस तरीके का, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सारे आप याद कर लीजिए, 8 ही 10 हैं टोटल, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये कौन करता है? ऑप्शन बी बैटरी करती है। ठीक है, बैटरी करती है ऐसा। और उसके बाद आपको और भी बता देता हूँ, जनरेटर के बारे में बता देता हूँ। जनरेटर क्या करता है आपका? जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को मतलब ऊर्जा को, ये किस में कन्वर्ट कर देता है आपका? ये कर देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और पहिया भी आपका एक तरीके का एनर्जी कन्वर्जन करता है, तो वो किस में करता है? ये भी क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपका गतिज ऊर्जा में। ठीक है, गति ऊर्जा में, तो उसमें कन्वर्ट कर देता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज अगर आ रहा है कहीं पे, हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको क्या करता है? लो में कन्वर्ट कर देता है, और अगर कहीं पे लो आ रहा है तो उसे बढ़ा के हाई भी कर देता है। मतलब ये दोनों काम करता है। ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न में मत रहिए, बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ वोल्टेज को घटाना होता है, या कुछ लोग जानते हैं कि सिर्फ बढ़ाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों काम कर सकता है। अगर कम है तो उसे ज़्यादा बढ़ा सकता है, और ज़्यादा से कम भी कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाक का रासायनिक नेम क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फार्मूला इसका क्या होगा? तो इसका फार्मूला है CaCO3। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंग को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा सिरोसिस का? ऑप्शन बी जिगर को प्रभावित करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक और बता देता हूँ, मस्तिष्क से रिलेटेड एक रोग है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस। ठीक है, जाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है। तो अगर जिसे भी ये नहीं आता है, ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं प्रोनंसिएशन कर रहा हूँ कि मेनिनजाइटिस, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य के प्रख्यात राजा भोज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, किस वंश से जुड़े थे? मतलब ये किस वंश के थे? तो ये किसके थे? ऑप्शन सी परमार वंश के थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं क्या करूँगा, उसे मैं पिन कर दूंगा, तो आप सभी लोग देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं कौन सी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी? तो वो थी गोरा और गीतांजलि। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गोरा और गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? ऑप्शन सी RK षणमुखम चेट्टी ने किया था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गणतंत्र का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने किया था आपका? ये थे आपके जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और मैं चीज़ बता देना था कि भारतीय बजट का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो वो कौन है? वो आपके हैं विल्सन। ठीक है, विल्सन।
ये अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC भी बोलते हैं ये भी है, डी ऑक्सीजन यही नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या है, नहीं है पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? तो क्या है, आप सभी को पता होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी, O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ATM का विस्तार क्या है, मतलब ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मोटेड नहीं है ये, ऑटोमेटेड है टेलर मशीन, या ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो ये किसने किया था? ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये पानीपत की तीसरी युद्ध कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1761 में, जो कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पानीपत की डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो किस तारीख को की गई थी? ऑप्शन डी, 3 जून 1947 को की गई थी। और भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को, जबकि पाकिस्तान को कब मिली? 14 अगस्त को, एक दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? तो डॉक्स फाइल, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ये किससे बनाई जाती है? ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसर से। ठीक है, आप लोग यूज़ भी करते होंगे, बहुत से लोग पावर पॉइंट से क्या बनाते हैं, आप लोग PPT बनाते हैं। ठीक है, पेंट से तो आप पेंट करते हैं, स्प्रेड शीट क्या होती है, एक्सेल शीट होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से, यहाँ आपको भरना है, बल के कारण रुक जाती है। तो किस बल के कारण रुक जाती है? ऑप्शन सी, घर्षण बल के कारण रुक जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय घर्षण कम लगता है, जिसके कारण आपकी क्या होती है, बाइक या कार जो भी होती है वो फिसलती है। क्यों? क्योंकि उनमें घर्षण उस समय बहुत ही कम लगता है बारिश के कारण, तो इसीलिए घर्षण ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए गाड़ी में। तो असीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी ADSL जिसे बोलते हैं, ये तकनीक है। ये तकनीक कौन सी है? एक वायर डेटा संचार है दोस्तों। तो ये आपने अक्सर देखी होगी, ADSL जो होता है, ये आपके घरों में जो टेलीफोन लाइन आती है, ये वही है। ठीक है, आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो मॉडम लगता है, अगर आप में से बहुत से लोगों के यहाँ टेलीफोन लाइन होगा और आप नेट का यूज़ करते हैं, तो उस पर लिखा रहता है ADSL मॉडम। ठीक है, तो ये इसीलिए ऐसे मॉडम का यूज़ करते हैं जो टेलीफोन लाइन को कन्वर्ट कर देता है डेटा लाइन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वायर्ड लाइन है, ना कि वायरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है, तो कौन सा क्वार्ट्ज है ये? आपका ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन के रूप में जाना जाता है, तो मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, मार्स गैस के रूप में। दोस्तों, मीथेन गैस को हम अदर नाम से भी जानते हैं, तो इनका और नाम क्या है? एक है गोबर गैस के नाम से भी इन्हें जानते हैं, और दूसरा इनको बोलते हैं बायोगैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत देश के प्रमुख हैं, तो कौन है? ये क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री पे ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, प्रधानमंत्री ही हर जगह दिखते हैं, तो सोचते हैं वही प्रमुख होंगे, लेकिन ये गलत है। आप संवैधानिक तरीके से जो हमारे देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इनके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारे देश के क्या होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। दूसरा ये है कि ये संघ के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों बात मैं बता रहा हूँ, दोनों आपको अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो ये पेपर में आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया है, जिसे आप लोग SBI के नाम से जानते हैं?
तो किसे बदल कर ये रखा गया था? ऑप्शन डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पहले ये तीन बैंकों में डिवाइड था। कौन कौन से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पहले ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को जोड़ने के बाद बनाया गया इंपीरियल बैंक, फिर इंपीरियल बैंक से बनाया गया SBI। ठीक है तो दोस्तों ये है क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से पार्ट 6 में जीके के पूछा था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को मिला था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जीके से रिलेटेड, ये हमारा पार्ट 7 था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। ऑलरेडी दोस्तों हमने 200+ वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स के ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ डाल रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।